हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक वर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें आज हमने दो सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हैं। पार्ट टू है, इससे पहले भी हमने दो सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जो पार्ट वन में है। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इजी टू मेड सिक्योरिटी सिस्टम अब हम बनाने वाले हैं, जिसे बनाना ईजी है और उससे कोई भी आर पार जाना ईजी है। तो हमने सारी चीज़ें चेस्ट में रखी है। सबसे पहले हमें लगेगा रेड स्टोन, एक डे लाइट सेंसर और एक स्टिकी पिस्टन। तो चलिए शुरू करते हैं इजी टू मेड सिक्योरिटी सिस्टम बनाना। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, पर ये सिर्फ नाइट में काम करता है। तो इससे पहले कि ये ऑन हो जाए, आपको अपने घर में रहना ज़रूरी है। तो जल्दी से आप दो होल बना लीजिए और उसमें दो स्टिकी पिस्टन लगा लीजिए, और उसके बाद आप रेड स्टोन जैसे हम लगा रहे वैसे लगा दीजिए, और वैसे ही साइड की तरफ भी लगा दीजिए। उसके बाद वहाँ आ गए तो ये डेलाइट सेंसर लगा दिया है, उसे आप नाइट मोड में सेट कर लीजिए, जिससे नाइट में ऑटोमेटिक सेंसर ऑन हो जाएगा। तो हमने कर दिया नाइट में, तो ये तैयार है हमारा इजी टू मेड सिक्योरिटी सिस्टम। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो अब ये हो गई है शाम, तो अब हम जाने वाले हैं टेस्टिंग करने। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो शाम हो चुकी है, इसलिए हम अंदर जा चुके हैं, जा रहे हैं। और अब ये डोर बंद कर लीजिए। अब देखिए, सूरज ढलते ही ऑटोमेटिक स्टिकी पिस्टन ऑन हो जाएगी और हमारा सिक्योरिटी सिस्टम भी ऑन हो जाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम हार्ड टू मेड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए, वहाँ हमने चेस्ट में सारी चीज़ें जमा करके रखी है। तो सबसे पहले हमें लगेगा एक स्टिकी पिस्टन, एक वाइट कंक्रीट और रेड स्टोन टॉर्च की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले, आपने अब तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही माइनक्राफ्ट की जुड़ी वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले आप दो ग्लास लगा लीजिए, उसके बाद आप और दो ग्लास लगा लीजिए, उसके बाद आपको स्टिकी पिस्टन लगाना है, उसे आप एक ब्लॉक छोड़ कर लगाइए। इस तरह इधर एक ब्लॉक छोड़ कर लगा दीजिए, गलत लग रहा है, बार बार लग गया है। उसके बाद आप वापस ग्लास लगा लीजिए, ये लग गया ग्लास। उसके बाद एक और स्टिकी पिस्टन लगा दीजिए, और वैसा ही आप एक और तरफ कीजिए, और उसके बाद आप नीचे उतरिए और फिर वहाँ पर आप रेड स्टोन टॉर्च लगा दीजिए। तो चलिए लगाते हैं रेड स्टोन टॉर्च, चालू हो चुका है। वैसे आप दूसरी तरफ भी कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ वाइट कंक्रीट लगा दीजिए, ये वाइट कंक्रीट इधर लगा दिया है, अब उधर भी लगा दिया है। अब देख सकते हैं स्टिकी पिस्टन ऑन हो चुके हैं। उसके बाद आप दो होल बना दीजिए और उसमें आप रेड स्टोन डस्टर डाल दीजिए। अपने आप रेड डस्ट डालते हैं तो ये वाइट कंक्रीट लगे से हटाते हैं, और अब रेड स्टोन डस्ट डालते हैं, अब लगा दिया है रेड स्टोन डस्ट। उसके बाद वैसे आप दूसरी तरफ भी कीजिए, दो खड्डे बना के उसमें रेड स्टोन डस्ट डाल दीजिए। उसके बाद आप वहाँ वाइट कंक्रीट लगा दीजिए, जिससे हमें वो रेड स्टोन डस्ट दिखेगी नहीं। अब हम ऊपर उठ के लगा लेते हैं। वैसे तो हमने इसे क्रिएटिव में बनाया है, पर आप इसे सर्वाइवल में बना सकते हैं, और उसमें बड़ा वक्त लग जाएगा। अब हम वहाँ से एक ट्रिप वायर हुक ले लेते हैं और स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो चलिए चलते हैं। ये वाइट कंक्रीट पर हम ट्रिप वायर हुक लगा देते हैं, ये इधर की तरफ और उधर की तरफ दोनों तरफ लगाने के बाद आप वहाँ स्ट्रिंग लगा दीजिए, एक दो और तीन, और ये चालू हो चुका है ऑटोमेटिक वर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम। अब आपको सिर्फ वहाँ पर दो ग्लास लगाने हैं। अब भी वीडियो आधी बाकी है, क्योंकि अब भी हमें कुछ मॉडिफाई करना है। हम ऊपर की तरफ एक लगाने वाले हैं, जिससे हम लावा निकालने वाले हैं। तो अब लगा देते हैं डिस्पेंसर, इसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। ये ले चेस्ट में से सबसे पहले डिस्पेंसर ले लेते हैं, और एक दो लावा बकेट ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं जल्दी जल्दी। अब हम अंदर जाकर वहाँ पर सर लगा लेते हैं। तो चलिए डिस्पेंसर लगाते हैं, ये बराबर लग चुका है, पर उसमें हम लावा बकेट डालने वाले हैं, ये गलत लग गया है शायद। हम नीचे लगा लेते हैं, अब लग गया है बराबर, उसमें हम लगाएंगे अब लावा बकेट। तो चलिए एक डाल दिए लावा बकेट, और एक दूसरी तरफ भी डाल दी है। उसके बाद हमें से एक ग्लास तोड़ना होगा, क्योंकि हम फंस चुके हैं। अब इसमें आप ग्लास लगा लीजिए, फिर से हम ग्लास इन्वेंटरी में देखते हैं, क्योंकि ग्लास की हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम यहाँ पर अब रेडस्टोन डस्ट डालने वाले हैं ताकि ऑटोमेटिक वर्क कर सके। हम अंदर की तरफ दो लीवर लगाएंगे जिससे हम लीवर ऑन करते ही ये लावा बकेट अपने आप ऑन हो जाएगी और डिस्पेंसर से लावा करेगा और जो भी मॉब अंदर आने की कोशिश करेगा उसे लावा की वजह से मरना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ थोड़ा सा घर में मरम्मत करनी पड़ेगी, तो यह डाल दिए हमने। एक और ग्लास इसे तोड़ना पड़ेगा। नीचे एक ग्लास लगा दिया है और फिर वहाँ डस्ट डाल दी है, रेडस्टोन डस्ट। उसके बाद वैसा ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। वहाँ एक ग्लास लगा कर वहाँ पर रेडस्टोन डस्ट डालकर हमें घर में थोड़ी सी तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही माइनक्राफ्ट की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब चेस्ट में से हम लीवर ले लेते हैं। अब ये लीवर वहाँ लगा देते हैं। अब लीवर दोनों तरफ लगा लेते हैं। अब ये लीवर लग चुका है। अब हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। अब हम लीवर को ऑन करके देखते हैं। लावा अपने आप नीचे आ रहा है लीवर को दबाते ही। अब इसे बंद करना है तो हमें लीवर को दो बार दबाना पड़ेगा। ये लीवर दो बार दबाने के बाद ऑटोमेटिक लावा बंद हो चुका है। उसके बाद हम अब टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्लास लगा लेते हैं जिसे हमने पहले तोड़ दिया था। तो अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर। तो टेस्टिंग करते हैं। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है पर इसे बनाने में मज़ा बहुत आता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मॉब आने के बाद सबसे पहले तेज भागना है, डोर ओपन करके अंदर जाना है, उसके बाद लीवर को ऑन करना है जिससे लावा पड़ने लगेगा। आपको दोनों तरफ की लीवर ऑन चाहिए। लीवर को दो बार ऑफ करने के बाद लावा आना बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को।